कुछ होता तो अलजेब्रा फास्ट लॉ ऑफ किस लाइन एंड एंगल लॉ एटा होची बेसिक क्लास आपर तुम कौन करिवे ना क्वेश्चन आंसर करिवा किछ जिंस अछि जोटा के हमको जानना दरकार लाइन एंड एंगल तीनोटी फिगर देखो तीनोटी फिगर रो ना फास्ट लॉ प्रथम फिगर हमें कौन कहिबो ला लाइन आपको कौन कहो जे लाइन फास्ट लॉ कौन कहिले लाइन तृतीय टा कौन कहो जे रे कौन कहो जे रे रे द्वितीय टा लगा लो रे टाइम केटा ले टाइम क्लास टाइम केटा सेकंड टा लगे से रे तापर लेखो थर्ड टा होसी केसे लाइन सेगमेंट लेखो लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट ए तीनोटी जिनस को हमको भलसे बुझियार अछि देखो लाइन कहले जे हका हो पइबो तो द लाइन व्हिच हैज नो एंडिंग पॉइंट लाइन रो कोनोसी एंडिंग पॉइंट नथाय कि सब स्ट्रेट लाइन रे जायथाय ठीक से ना लाइन रेखा कोइबो ना रे या कोइबो व्हिच हैज वन एंडिंग पॉइंट गुटी मात्र एंडिंग पॉइंट थियो से लकि से रे आ मन रखो हमें जो एंगल कहू छे हमें जो कोण कहू छे कोण का कोइबो दुईटा रे मिसिले गुटे एंगल क्रिएट करू ताले गुटे एंगल क्रिएट हो पय ले हमर कहार आवश्यकता अछि रे रा आवश्यकता अछि रे कहिले का कहू छी बा तो रे हैज ओनली वन एंडिंग पॉइंट तापर आसेला लाइन सेगमेंट मन रखले लाइन सेगमेंट का कहू लाइन सेगमेंट हज इज अ सेगमेंट और सेगमेंट कोली कोन छोटो पीस कहार ना लाइन रो गोटे छोटो अंश को मु कहली कोन लाइन सेगमेंट इन द सेंस लाइन सेगमेंट रो दीटा को एंडिंग पॉइंट थाए कोन थाए दीटा को एंडिंग पॉइंट थाए क्लियर होला लाइन का कोबो रे का कोबो लाइन सेगमेंट का कोबो बुझा पड़ला ना का डाउट छ क्लियर चल नेक्स्ट पॉइंट हो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन जहां दुईटा को एंडिंग पॉइंट थाए तो कोन कोजे लाइन सेगमेंट क्लियर तो पूरा बेसिक रो आरंभ करछी पूरा कंटीन्यूअसली संडे पजंत लाइन ज्योमेट्री क्लास चलियो ज्योमेट्री क्लास छाड़ दिया और लाइन के प्रॉब्लम ही नबो तापर देखो ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्ट्यूस एंगल आउटर एंगल किस ना acute angle acute angle tab aisa lage se right angle right angle gote aisa lage se obtuse angle second aisa lage se kise acute angle tab aisa lage se right angle tin ta lekham tabre bata de mon rakhle obtuse angle kaha koibo obtuse angle kaha koibo जल्दी देखो ऑप्टिस एंगल ऑप्टिस एंगल सब मन रखी 90 डिग्री रु अधिक थी 180 डिग्री रु कम थी एंगल कह ऑप्टिस एक्यूट एंगल क्या कह जीरो डिग्री रु जी अधिक थी 90 डिग्री ये कम राइट एंगल कह कह जी 90 डिग्री थी देखो आपको नहीं कि तुम मानकर कोनोसी भी एग्जाम रे क्वेश्चन है मन रखिया पे सहज उपाय राइट एंगल एटा समस्त जान छ गुड होची एक्यूट एंगल और ला ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल आगो ए आगो एगो लेटर को कोड वर्ड करो आगो ए आसे ना आगो ओ आसे ए आसे तो 0 रु 90 तबर से ओ माने कोनो 90 सॉरी कारण आमे जानि छे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल भितर जड़े 0 टू 90 भितर रहइबो आउ जे 90 टू 180 कि तमे कंफ्यूज होइ त एग्जाम प्रेशर रे के एक्यूट होबो के ऑब्ट्यूस होबो कोड वर्ड कोन जे आगे आसेला 0 टू 90 जे पर आसेला 90 टू 80 बुझा पड़छि ना का डाउट छ पूरा क्लियर आसेला तहले हम एइ देखिले ऑब्ट्यूस एंगल कहो कोइबो एक्यूट एंगल कहो कोइबो राइट एंगल कहो कोइबो क्लियर अछि गरम लउछ हाँ
एबे बुली देली थर्ड पॉइंट को जीवा तो तृतीय पॉइंट को लिखो स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल आउटा छि रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल तापर लिखो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कॉम्प्लीमेंटरी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल आउटा छिला सप्लीमेंटरी एंगल सप्लीमेंटरी एंगल अच्छा देखो फर्स्ट पॉइंट आसला कैसे स्ट्रेट एंगल कहले पे क्या बुझ स्ट्रेट एंगल कहले क्या बुझ मन रख पे स्ट्रेट एंगल आम से कह भैल्यू के डिग्री थी शहे अशी डिग्री देखो को एंगल कही दू स्ट्रेट एंगल पूरा क्लियर तापर आसला को एंगल रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स कौन अपोजिट रिफ्लेक्स मीन अपोजिट अपोजिट एंगल को हम को एंगल कही दू रिफ्लेक्स एंगल कही दू सपोज मुखिले एंगल रे वैल्यू होची 40 डिग्री एंगल वैल्यू होची केते 40 डिग्री तले टोटल ना मिश्रे केते होई 360 यदि गोटी हला 40 आ गोटे केते हो 120 तले 40 रो रिफ्लेक्स एंगल केते होबो 300 ए 300 क्लियर हला ना का डाउट होची रिफ्लेक्स एंगल का हम डाउट होची आ मन रख के सवाल पिले रिफ्लेक्स एंगल रे वैल्यू 180 रो 360 भीतर रहे रिफ्लेक्स एंगल रो वैल्यू 180 रो 360 भीतर रहे सब बोर्ड पर क्लियर सो बोला स्ट्रेट एंगल आडे को एंगल आसला रिफ्लेक्स एंगल एबे आसला कॉम्प्लीमेंटरी एंगल आडे को आसला सप्लीमेंटरी एंगल देखो बे कॉम्प्लीमेंटरी और सप्लीमेंटरी को लेकर हमें भी कंफ्यूजन हो हमें भी जानी छे दुईटी गोटे कोण अच्छी ए कोण गोड़ अच्छी बी मिसिक हो 90 से कोण दुईटा मिसिक हो 180 एटा हमें जानी छे आइदर कॉम्प्लीमेंटरी किंवा सप्लीमेंटरी किंतु हमें कंफ्यूजन हो किए हो कॉम्प्लीमेंटरी किए हो सप्लीमेंटरी आगो सी आसी ना आगो एस आसी सी तले जते बळे दुईटी कोण परिमाण मिसिक 90 डिग्री होतिबो त कोण कोण कहिबो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कहिबो बुझा पड़ल शॉर्टकट कोड को मन रखियो एग्जाम रे समझ जेसी सप्लीमेंट एंगल का कहबो जेतो बळे दीटा कोण रो परिमाण मिसि करी केतो उठो तक को एंगल कहबो सप्लीमेंट एंगल बुझा पइला स्ट्रेट एंगल कोण रिफ्लेक्स एंगल कोण कॉम्प्लीमेंटरी एंगल कोण सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ओडिया कोण अनुपूरक सप्लीमेंटरी परिपूरक बुझा पइला बटन रेडी अभिषेक रेडी कौन कह दे प्रवचन दवा बुझा पड़ तो ये समस्त क्लियर अच्छी ना क्या डाउट अच्छे नो डाउट नो झिली बोली आगे जीव आपको नहीं एग्जाम गोटे क्वेश्चन आसे से क्वेश्चन टाइम दौर कल क्वेश्चन आंसर कल कर गोटे भल से पढ़ी देख एग्जाम क्वेश्चन को हमको कौन दबो कह इन ए सप्लीमेंटरी एंगल कौन कहला इन ए सप्लीमेंटरी एंगल इन ए सप्लीमेंटरी एंगल इन ए सप्लीमेंटरी एंगल वन एंगल इज टू टाइम्स अनदर एंगल वन एंगल इज टू टाइम्स द अनदर एंगल अनदर एंगल बुझा पड़ा गोटे कोण अन्य कोण के कितने गुणा दुई गुणा फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल छोटा एंगल के फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल देखो हम ये जानी छे गोटे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल रे दीटा कोण मिसी केते हेबे
तो तुमको एग्जाम क्वेश्चन क्वेश्चन तुमको एग्जाम बुझा पड़ा किंबा तुमको एमती गोटे क्वेश्चन आसो जे इने कम्प्लीमेंटरी आंगल वन आंगल इज हाफ ऑफ द अनदर आंगल कौन कह वन आंगल इज द हाफ ऑफ द अनदर आंगल को कोण रे कम्प्लीमेंटरी आंगल कौन कह इने कम्प्लीमेंटरी आंगल वन आंगल इज हाफ ऑफ द अनदर आंगल तले स्मॉलेस्ट आंगल केते 30 डिग्री कम्प्लीमेंटरी आंगल कोइ छी कम्प्लीमेंटरी आंगल रे गोटे ए कोण रहिला गोटे बी कोण रहिला गोटे को बोलले 2x तार आधा की हो आउ जण हो केते आसला x बुझा पड़ ए दी जण मिसि के दउ तुंती 3x 3x 90 x 90/3 केते आसला बुझा पड़ सम तुम ना काहे टिके डाउट आउ छी बुझा पड़ला कम्प्लीमेंटरी आंगल और सप्लीमेंटरी आंगल को लेकर क्वेश्चन किसी भी हो पाए बस तुमको ये मन रखे अच्छे जे कम्प्लीमेंटरी कहले कौन बुझा सप्लीमेंटरी कहले कौन बुझा बेले बेले एमती भी क्वेश्चन आसी जदि गोटे कोण परिमाण 85 हुए जदि गोटे कोण परिमाण 85 हुए यार कम्प्लीमेंटरी आंगल के सप्लीमेंटरी आंगल जदि गोटे कोण परिमाण 85 हुए यार कम्प्लीमेंटरी आंगल के सप्लीमेंटरी तो तुमको एग्जाम किसी भी गोटे क्वेश्चन दिए बट कि बुझार अच्छे कनसेप्ट जो कनसेप्ट क्लीयर अच्छे कौन सी क्वेश्चन आसो फरक पड़े ना समस्त क्लीयर अच्छे एग्जाम क्लीयर है कम्प्लीमेंटरी कौन सप्लीमेंटरी कौन आक्यूट आंगल ऑब्टस आंगल रिफ्लेक्स आंगल क्वेश्चन एम व्हाट इज द रिफ्लेक्स आंगल ऑफ 100 डिग्री रिफ्लेक्स आंगल के रिफ्लेक्स आंगल रो सॉरी 100 मार्टिन रो 100 डिग्री रो रिफ्लेक्स आंगल देते रिफ्लेक्स आंगल का कहबो तार अपोजिट एंगल हां अपोजिट एंगल हां अपोजिट हबा अपोजिट मतलब 100 रो अपोजिट देते सॉरी 100 टोटल ता होची 360 हां टोटल ता होची 360 जे गोटी को 100 डिग्री होची अनटा के दो 360 माइनस 100 भाई देखियो से वीडियो YouTube रे छाडी पचास क्वेश्चन आसुन मु म्यूट कर देबी वीडियो एडिटिंग मो पखरे आपन को घरी ए क्लास रे सेरा जे सब वीडियो YouTube पे पाइजो क्लियर सम धरो आगु जीवा जीवा आगु एबे हेडिंग दियो काल थारु राइट टाइम रे सम सब पहुंचिबो 10टा बेले क्लास आला को बोलो रे द्वितीय आंगल बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट कौन लो हेलो गुड़ ला पारा लो एंगल गुड़ ला एडजस्टेड एंगल आउट आस में करो एंगल सेल हाँ एंगल बाइसेक्ट देखो सर लास्ट का कौन गया एंगल बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट 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 एस ई सी टी तो एंगल बाइसेक्ट रोल को भेजो देखो
पारालाल कहले हम कहाँ बुझा जिते बड़े दुईटी लाइन भितर गैप सब इक्वाल थी एम पॉइंट सब कौन थी इक्वाल डिस्टेंस तुम कौन कह बुझा पड़ा पारालाल लाइन मान कौन एटा एल एटा एम एल एम आर बोथ पारालाल पारालाल इन द सेंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग बोथ गैप आर इक्वाल आरंभ रे जति गैप शेष पर्यंत सेति गैप ताको म कोन कहबा पारालाल एवरीवन क्लियर अछो ता पर आसला कोन एडजेसेंट एडजेसेंट माने कोन कहबा पाखा पाखा सपोज ये दीटा कोण मन रखिबो एडजेसेंट एंगल रे सब बेले मझिरे गोटे कॉमन रे थाए सपोज देखो ये दी जन परस्पर होती कौन एडजेसेंट ये दी जन परस्पर कौन से एडजेसेंट आ मन रख सब एडजेसेंट एंगल मझिरे सब गोटे कॉमन किए थी रे थी रे अर्थ बुझी पार्च आ मन रख एडजेसेंट एंगल परस्पर इक्वल हो पारती इक्वल न हो पारती एडजेसेंट एंगल परस्पर इक्वल हो पारती अथवा इक्वल न हो पारती सपोज मुझे एग्जांपल तुमको देली जे गोटे है चालीस डिग्री गोटे है तीस डिग्री बोथ एंगल आर कौन एडजेसेंट एंगल ये इक्वल अच्छा कि इक्वल ना कि तुम मुझे कहटा भी चालीस एटा भी चालीस आपको कौन एंगल कहपर एडजेसेंट भी एडजेसेंट इन द सेंस पाखापाखि एडजेसेंट इन द सेंस पाखापाखि पूरा क्लियर है आउट आसला एंगल बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट अर्थ हूँ परस्पर सामान एडजेसेंट अर्थ जहाँ आर अर्थ से किंतु इथर कंडीशन कौन जान सब सामान रही सब सामान रही ए कौन जी ए कौन से जब ये चालीस हुए चालीस हुए तो ये गोटे कनसेप्ट आसा कौन अल एडजेसेंट एंगल आर एंगल अफ सरी अल बाइसेक्ट एंगल आर एडजेसेंट एंगल बट अल एडजेसेंट एंगल आर नॉट बाइसेक्ट एंगल कथा बुझी पड़छ जमा बुझी पार कौटा बुझी पार एडजेसेंट अर्थ कौन रस कह भावु क्या कथा मन मन देखिए आस एडजेसेंट अर्थ हूँ पाखापाखि तुम दिज परस्पर बैच तुम मझे बोतल धुआई तू हूँ से दिज परस्पर एडजेसेंट एडजेसेंट अर्थ कौन तुम दिज इक्वाल हो पार इक्वाल न हो पार मैंने तू चालीस किले से षाठी किले तु इक्वाल हो पार कि न हो पार कि तु चालीस किले सी चालीस किलो अच्छी कहे एडजेसेंट सपोज ये गोटे कोण है ये हूँ शहे कोड़े ये षाठी ହେଲେ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଆଡଜେସେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ପରସ୍ପର ପାଖାପାଖି କୋଣ ତମେ କ'ଣ କହିଦେବ ଆଡଜେସେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ବାଇସେକ୍ଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ବାଇସେକ୍ଟ ତ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ବାଇସେକ୍ଟ ତ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ଏପଟେ ଯାହା ସେପଟେ ସେ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପଛରେ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼ ହାଇ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ହେଉଛି ଯା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇ ଆସେ सिलिंडर मागुच सिलिंडर है सिलिंडर अछि सिलिंडर जा पाके भाई एकदम जा ले चल पूरा क्लियर होला एडजेसेंट कहले कोन बुझिबो एंगल को बाइसेक्ट कहले कोन बुझिबो औ पैरेलल लाइन कहले कोन बुझिबो एति पूरा क्लियर ना का डाउट होछि ए जे लास्ट स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आ एग्जाम रे ताको बेस करी सबले क्वेश्चन आसे ता पूर्वरु मु गोटे पॉइंट कहय चाहू छी जेते बले गोटे स्ट्रेट लाइन उपरे देखो जेतो बोले दीटा स्ट्रेट लाइन परस्पर को क्रॉस करंथे किंबा कोनोसी स्ट्रेट लाइन उपरे हम यदि कोनोसी लाइन टाणुचे बा कोनोसी रे टाणुचे ए एडजेसेंट कोण मिसि केते हवे काय परंदे स्ट्रेट लाइन उपरे हम यदि रे टाणुचे दीटा एडजेसेंट कोण मिसि केते हवे पूरा क्लियर होलो आउ जेतो दीटा लाइन परस्पर को क्रॉस करछन्दि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल ए तीन छ क्लियर हो क्लियर अछ पूरा क्लियर ताले आमे देखिले जति गोटे लाइन उपरे गोटे रे टणा होछि एडजेसेंट कोण मिसि केते हेबे
जब लाइन परस्पर को क्रॉस करछंती अपोजिट कोण मिसि इक्वल सो व्हाट भाई इक्वल यदि ये 40 था है ये भी 40 ये यदि 120 हुए सॉरी 140 हुए ये मध्य 140 पूछा बोलो अब ये दोनों कोण मिसि कते हबे 40 यदि ये 30 हुए एटा कते हो 150 पूरा क्लियर हो नो सिलिंग पूरा क्लियर कर नेक्स्ट पॉइंट को जीवा नेक्स्ट पॉइंट होची एग्जाम रे आसुतिला भलिया क्वेश्चन आज पूरा कांसेप्ट को बुझिबो वीडियो को YouTube रे आउतरे देखिबो पूरा क्लियर हो खाली खाली क्वेश्चन आंसर कर देखो जेतो बळे दुइट लाइन परस्पर को क्रॉस करंती कोन करंती परस्पर को क्रॉस करंती ए दुइटा लाइन हम की प्रकार लाइन पैरेलल एड किसी कंडीशन आसे दंती एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 को एंगल से तो को एंगल समान हो को एंगल से तो को एंगल समान हो देखो यदि मु ए कथा कहू छी इथे एंगल 1 है इथे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बेसी केते हे 180 एंगल तो पुरपुर जा समान पड़िल सेम थी 2 और 4 बेसी केते हे 180 2 और 4 बेसी केते हे 180 बुझा पोले ना बुझा पोले बुझलो जो की काहे के ये रूट पर लाइन ने आ ऊपर जो दिन मिसले 180 सेम थे दिन मिसले 180 दिन मिसले पूरा क्लियर लो श्री मिल ता सहित एक कोण रो ऑपोजिट 3 दुई जहाब 3 एक जहाब 4 पूरा क्लियर आ ऊपर नो डाउट बुझ पर चस्त जदी एक का वैल्यू 100 सॉरी 130 हुए तले 3 का वैल्यू कितनी र को जल्दी हां सेम 50 ना से तो Instagram निसार अछि से को बोलबो बाहर के निसार जदी ये 130 हुए ए कोन दबो 50 हां 50 के देला 50 हां रो जणु 50 से आंसर दो के देखि हम देला 50 को 180 हो जेटा मिसि दिन से 180 हो ताके मते को जदी ये जदी हला तू कोया उनके 50 तले कोन दबो वंता थैंक यू तू ओडिसा वाला नो इंडिया वाला को पईछु आज खास तुमको पया बाबू जी किसी हां ताले सुला को धरी किनी जिनका गप्पो कोई पढ़ा दिन सेम पढ़ेली ए दीटा कोण मिसि के 180 ते माने ऑपोजिट कोण यदि ये 130 हुए ये हम 130 काहे के माने ऑपोजिट ठीक अनुलेड ये दीटा कोण मिसि के देबे 180 यदि ये 130 एटा के दबो 50 ए दिना मिसले 180 50 ए दिना मिसले 180 बुझेला आ भूलबो किछि जे भूलबोनी मुंडरे पसिला आपर माटी नि पुछु मते भोका लागो छ भोका लागो छ हां छत्तो गोडा जी पिउ कांसेप्ट इतरे जा कांसेप्ट इतरे से किदु प्रॉब्लम होउछे आंक से त हम केम जा से कोरिलेटेड करिबो आ सुदा कोन जमे रिलेटेड करिबो देखो एक कोण जा पांच कोण से काहे के समान त को जे करेस्पोंडिंग एंगल कोन को जे करेस्पोंडिंग एंगल एक कोण जा पांच से समान ठीक सिमिलरली तीन जा सात से आउ नो बता बुझा पाइला मतलब क्लियर ना एक से तो किस समान 5 3 से तो 7 तो जदी मन न पड़ो तो ना करो किसी दरकार नहीं आवश्यकता भी नहीं तो कोनो ना मन छियो हमको एग्जाम क्लियर कर लेना छी ओके ठीक से हमती 2 से तो किस समान हो 4 से किस समान हो पूरा क्लियर होला पूरा क्लियर होला ना का डाउट असला डाउट नहीं तो चलो 4 से तो अच्छा एदिन से क्लियर एबे लख यार आउट इनसो ये जो 4 से तो किस समान हो 5 समान हो 3 से तो किस समान हो 6 आगो की एंगल को जे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मन रखे आवश्यकता तो 4 जा 5 कोण कोण समान एटी गोटे कांसेप्ट लॉजिक से जेड कांसेप्ट जेड को कोण से पड़ पाए समान देखो ये जेड होनी
600 तो किस समय होगा? तीन एक्जेक्टली उल्टा जेड ये नो एक कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट में कौन सीखे जेड रो कोण सब बड़े भाई समान जेड रो कोण सब बड़े भाई पूरा क्लियर हो प्रथम आसन एक से तो किस समय होगा तीन से तो अच्छा अल्टरनेट कौन समान और ये दीटा भीतर कौन मिसी कहते हैं पूरा क्लियर अच्छा दीटा भीतर कौन मिसी कहते हैं 180 पूरा क्लियर है ये तीनों टी कॉन्सेप्ट को मान रखो और किसी मान रखे दरकार नहीं किसी ना मान रखे दरकार नहीं ना मान रखे तो कंफ्यूजन नहीं जीवो ठीक है देखो ये कॉन्सेप्ट लॉजिक देखो घोषित है ना कुछ ना भी मान रहे गूगल ने मार दिया फिगर से तो डिटेल्स ना प्रेस हो ना आवश्यकता है किसी में लाइन से ना अंगेल ये इमेज को रखी करो एक अच्छा देखिए एक से तो समान किस है दूसरे से तो समान क्या हो चार से तो अपोजिट कौन हो भीतर कौन मिसी तेरे बाहर मिसी लॉजिक से भीतर मिसी ये तो सौ जैसे ला बाहर मिसी कितना हो पूछा पहले ना पूछा पहले कुछ दिन का क्वेश्चन हो ज्योमेट्री रे मेन लाइन एंड एंगल रे फिगर हो चीं पड़ा देख ये हो चीं 110 डिग्री के डिग्री तले एक कोणटा केते मते पछला बाहर करिया पई 100 उपाय अछि जल्दी को तीन कलर आछे दो एक दुई तीन देख ए दीटा मिश्रित केते होय 100 100 भीतर मिश्रित से ए दीटा मिश्रित केते होय 180 तले एटा के जाबो 70 नंबर वन सेल तले ए दीटा मिश्रित 180 हो गन छि प्लेटा के तरह सही दोस गुटे प्रोसेस आउ डे प्रोसेस को देख जदि ये ला 110 ये दीटा मिसले के तबे 110 हां 180 हां ये दीटा समान है हां से दीटा कौन समान है मिसी दीटा समान है प्लेट के तसला 110 ये ला द्वितीय प्रोसेस तृतीय प्रोसेस जदि ये ला 110 एटा के दबो ये जदी 70 ये भी 70 ए दिना मिसल बहुत सारा प्रोसेस है और कोनो सी प्रोसेस को अप्लाई करबे आ गुडे प्रोसेस ये जे 110 रटे के ए दिना कोनो मिसल के दे 180 ये के दबो 110 समान के जदी फिगर को जाने छे फिगर को चिन्ह छे सब समझ एक क्वेश्चन आंसर तो दो हला तो दो दो जगतपुर को सीधा दौड़ी बोले आज ट्रेन जे बोले हला से इंस्टाग्राम वाला सीरीज जी देख एटा होची 90 डिग्री तो दे 90 का अपना 85 को एटा होची 85 को 8 लिख ले अपन 85 से और 80 हो 80 डिग्री ताले ए कोनटा के को फास्ट के गो उठि गो जल्दी चला जल्दी मार्टिन को मार्टिन सर केदा हो भावना राइज हो ठीक खोसो कैसे कहूँ बाबू जी कौन मुंडा छिपी दी थी मुंडा कौन जी तेरे मुंडा ने कौन सी ना बुलो जी मुंडा पार्टिन तो मुंडा बुलो जी हाँ थैंक यू ये तो अस्सी है ला ये कितना ला अस्सी ये दीना मिसल कितने कितना अस्सी ला नंबर वन प्रोसेस नंबर दुई प्रोसेस एक कोण जहा एक कोण से हां जी ना ए दिन में से कितने हुए पहला कितने बुझी पाइलु कोण तू तो लेखा तो जस्तो तो बुझी पाइलु कोडा बुझी पाइलु आउ के बेटे कोण तुटे बुझी एटा होच कितने 80 एक कोणटा कितने 80 ए दिन में से कितने 80 तो मोटी 80 लावड़ के दला 100 बुझा बेटा तो से बुझा पड़ला फिगर देखि सब एनालाइज कर देलो 100 टा कोनते ला ए दिन मिसले के तोय गोटे 80 आवडी रे बुझा पड़ला 180 माइनस 80 इज इक्वल टू पूरा क्लियर होला ए वीडियो का जे मैं अपलोड करी YouTube रे एडा कंटीन्यूअसली सीरीज चलिबो ज्योमेट्री रो पूरा लाइन एंड एंगल से रो खाली क्वेश्चन आंसर करबा तापर करबा सर्कल ट्रायंगल
जहाँ सब अच्छे पूरा कम्प्लीटली चलो अप टू ए सीरीज सरिया पर्यटन और सब क्लास रेकर्डिंग यूट्यूब पाइज। ओके थैंक यू।